नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, विधवा पेंशन का पैसा जो है सभी के खातों में ट्रांसफ़र हो चुका है, तो ये विधवा पेंशन और के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों, जो विधवा पेंशन का जो रुका हुआ पैसा था, जो काफ़ी समय से आ नहीं रहा था, वो यहाँ पर दोस्तों ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप अकाउंट के माध्यम से चेक कर पाएंगे, या फिर दोस्तों ओटीपी और बिना ओटीपी के माध्यम से चेक कर पाएंगे, तो हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, विधवा पेंशन का पैसा जो है अभी तक काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा था, तो वो हम कैसे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से कैसे चेक करेंगे, और बिना ओटीपी के माध्यम से और ओटीपी के माध्यम से कैसे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप में एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, ये आप जो है मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है DBT भारत। तो मैं यहाँ पर दोस्तों DBT भारत डाल के यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पर ये डालकर सर्च करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से ऊपर वाली वेबसाइट दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार का कुछ पेज जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर दोस्तों DBT का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि दोस्तों आधार बेस्ड पेमेंट यहाँ से ट्रांसफ़र की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों कैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है आना है, तो हमें दोस्तों ये डॉक्यूमेंट वाले वेबसाइट पर दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों कई प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हमें DBT पेमेंट पर दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो कि दोस्तों आधार UID के जस्ट नीचे है। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है DBT पेमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का जो पेज है यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिटीजन कार्नर, तो यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सिटीजन कॉर्नर को दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे, फाइंड नियर बी बैंक और चेक योर IFSC कोड, और यहाँ पर दोस्तों नो स्टेटस DBT पेमेंट ओनली स्कीम ऑन TFMS। तो यहाँ पर हमें दोस्तों जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हम पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों जो पेज जो वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें जो है अपना जो बैंक जो है वो यहाँ पर हमें चुन लेना। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर मेरा UOB बैंक का यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, कि दोस्तों उसमें जो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर है, तो वो ही मैं यहाँ पर चेक करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट डिजिट होते हैं पहले, वो हम यहाँ पर डालेंगे बैंक के। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिखूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है कंफर्म करके दोस्तों पहले यहाँ पर डालना है, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंफर्म करना है वही अकाउंट नंबर। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे कि दोस्तों ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, तो वो यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है। और जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों सेंड OTP का दोस्तों लिखा हुआ है, सेंड OTP और रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो कुछ जो पेज जो है यहाँ पर खुल जाएगा, और जो OTP डालने के, तो जैसे ही हम OTP डालकर यहाँ पर हमें क्लिक करना है, तो उसके बाद दोस्तों पेमेंट का जो पूरा हिस्ट्री है वो दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना जो अकाउंट, दोस्तों हमने जैसे सेंड OTP पर यहाँ पर क्लिक किया, तो OTP जो है रजिस्टर नंबर पर पहुँच गया है। अब यहाँ पर OTP जो है आपको डाल देना है, क्योंकि इस कॉलम में, और यहाँ पर जैसे हम OTP डालकर यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों जो पेज है कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्कीम है दोस्तों वो यहाँ पर इसका नेम है वो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन आईडी और कब दोस्तों पैसा ट्रांसफ़र हुआ है सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा लास्ट में, जो अमाउंट दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि दोस्तों 3,000-3,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप पूरी हिस्ट्री जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास जो रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, तो इस माध्यम से भी दोस्तों हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि कैसे आप बिना OTP के भी
चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी एक नई वेबसाइट को ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। कल तो गए थे यार, कल कल जाने से क्या हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है जो दोस्तों लास्ट में सेकंड है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट है तो वो यहाँ पर ऐसे ही क्लिक करके रहना है, और वैलिडेशन आईडी जो यहाँ बेनिफिशियरी वैलिडेशन है तो ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एंटर बेनिफिशियरी कोड, वो आपके पास नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों एंटर एप्लीकेशन आईडी, तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पेंशनर का दोस्तों वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और यहाँ पर दोस्तों जो कैप्चा कोड है तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आप फिल करेंगे तो पूरा जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों तो हमने दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, अब यहाँ पर दोस्तों कैप्चा कोड है वो भी यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है, तो हम यहाँ पर दोस्तों सर्च पर क्लिक कर देते हैं। जी वो करते हो पोर्ट क्या?